52 किसानों से 251 मैट्रिक टन गेहूं का भंडारण किया गया साइलो प्लांट पर। किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के लिए बनाए गए खरीदी केंद्रों पर अब धीरे धीरे किसानों ने आना शुरू किया है। इस वर्ष सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपये निर्धारित किया है, जबकि मंडी में व्यापारी किसानों से गेहूं 2000 रुपये या उससे भी कम रेट पर खरीद रहे हैं। इस कारण अब किसानों ने समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों पर आना शुरू किया है। किसानों की फसल को ठीक से भंडारण और तौल के लिए इस वर्ष एक साइलो प्लांट भी स्थापित किया गया है। इससे किसानों को फसल बेचते समय होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि पूर्व में देखा गया है कि जब किसान अपनी फसल बेचने खरीदने केंद्रों पर जाते थे तब केंद्रों पर अनाज का उठाव नहीं होने या बारदाना खत्म हो जाने की स्थिति में कई कई दिनों तक अपनी फसलों की तुलाई का इंतजार करना पड़ता था। इतना ही नहीं, खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाओं के चलते किसानों को घटतौल और अन्य सुविधा शुल्क भी देना पड़ता था। लेकिन अब साइलो प्लांट पर आने वाले किसानों को ना गेहूं की तुलाई और ना भंडारण की कोई समस्या होगी। इसके लिए 15 सेवा सहकारी समितियाँ द्वारा साइलो प्लांट पर पंजीकृत किसान से सीधा गेहूं खरीदा जा सकता है, जिसका भंडारण एक बार में ही 25 मैट्रिक टन एक बैग में हो जाएगा। इसमें ना किसानों को घटतौल होगी और ना इंतज़ार, यानी फसल का पूरा वजन और मूल्य तो ही मिलेगा ही, साथ ही किसानों के समय की भी बचत होगी। संवाददाता शिवरमन सिंह राठौर की रिपोर्ट। आप जो साइलो पे गेहूं दिए आपने, इसका अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत ही शानदार, सारी व्यवस्था बड़ी उत्तम है, कांटे से लेकर अधिकारी वगैरह सब बहुत आराम से काम करवा रहे हैं। कितनी देर लगी आपको ट्रॉली खाली करने? 35 मिनट वजन से लेके खाली करने, पर्ची वगैरह, धर्म कांटा सारा मिला जुला के। आप संतुष्ट हैं? पूर्णता बिल्कुल सर, थैंक यू। थैंक यू।